그대 모두가 나를 막아도 나의 갈 길을 간다고 인생 한 방이라고 레고 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 단 하루를 살아도 후회는 절대로 없다고 Hey guys, welcome back in my YouTube channel. 또 यहां पे आज मैं पुराने पॉट को मेकओवर कर रही हूँ. ये पॉट हमारा 23 साल पुराना पॉट है जिसको सिर्फ एक पॉट ख़रीद के लाए थे और इसमें डिज़ाइन और सारी चीज़ें मेरी मम्मी और मौसी ने की है. तो फिर मैं इसका फिर से मेकओवर कर रही हूँ और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी जगहों से ये टूटा है. ये देखिए इसके ग्रेप्स भी निकले हैं. तो मैं यहाँ पर वाइट पुट्टी से इसका मेकओवर कर रही हूँ. मैंने वाइट पुट्टी वॉल पुट्टी यूज़ की है और इसमें पूरा कवर कर लेंगे. यहाँ पे हमने पूरा पुट्टी से कवर कर लिया है एक कोट. और फिर मैं इसकी फोक की हेल्प से इसमें डिज़ाइन क्रिएट करूँगी. थोड़ा सा नया लुक आ जाएगा इसमें और बाकी पुरानी डिज़ाइन तो है ही. मैंने पूरा नहीं इसको ख़राब किया है क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन रहने दिया है क्योंकि वह बहुत पुराना पॉट है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन भी है इसमें ग्रेप्स का. तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा एक कवर कर लिया है पुट्टी के हेल्प से. थोड़ी सी ये लेयर मोटी रखिएगा ताकि हमारा डिज़ाइन इसमें अच्छे से दिखे. तो अब ये बारी है इसके डिज़ाइन करने की. तो ये देखिए हम कुछ इस टाइप से इसमें डिज़ाइन देंगे. ये अभी ज़्यादा सही है इसलिए थोड़ा ऐसी लग रही होगी, बट ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आ रहा था और उसमें सूखने के बाद तो ये और भी सुंदर लगने लगा. ये इसका मोहरा टूट गया था थोड़ा सा, इसलिए हमने इसको सुराही का वो शेप देकर फिर से बनाया है और पीओपी की हेल्प से हमने उसको बनाया है. और ये जो अंगूर के डिज़ाइंस देख रहे हैं वो भी हम मम्मी और मौसी ने पीओपी की हेल्प से ही बनाए थे. वैसे ये काफ़ी पुराना है, 23 ईयर ओल्ड है. अब हम इसमें कलर करेंगे. तो आप इसमें चाहे अपने मनपसंद कलर कर सकते हैं. ये देखिए सूखने के बाद ये इतना सुंदर इसका शेप दिख रहा है और पूरा वाइट भी बहुत अच्छा लग रहा है. आप तो इसे पूरा वाइट भी रख सकते हैं प्योर. और अब इसमें आप कलर कर लीजिए. इसमें कलरफुल पॉट के लिए आप अपने मनपसंद कलर्स यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने 2 या 3 4 कलर्स यूज़ किए हैं पॉट में और बहुत ही प्यार. तो अब इसमें हमने सारे कलर करने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है. और ये देखिए 3 कलर्स ऐड कर लिए हैं. आप इसमें और भी कलर्स ऐड कर सकते हैं या फिर एक कलर का भी बना सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ किया है और वॉल कलर भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे पुट्टी में तो वॉल कलर भी अच्छा चढ़ जाता है. तो आप भी इसी तरह पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करिए. ऐसे पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके और भी कुछ साल चलाया जा सकता है. फेंकने से तो अच्छा ही है, इसका मेकओवर करके और भी कुछ साल इसे डेकोरेट करके रखे घर में. और ये देखिए ये 4th कलर हमने यहाँ पे पिंक कलर का लिया है. ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया था. और ये देखिए फिर ये जो लीप्स और ग्रेप्स बने हैं मैं उसका कलर चेंज नहीं कर रही हूँ, वही कलर उस पर कर रही हूँ जो पहले था. ग्रीन कलर और ब्राउन कलर के थे तो मैंने वही किया है. इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, पहले इसमें लीप्स के बीच में डिज़ाइन नहीं थी, मैंने लीप्स के बीच में डिज़ाइन दे दी है तो वो थोड़ा अच्छा खुल के ओरिजिनल लीप्स का लुक आया है. तो इसी टाइप से आप भी यूज़ करिए, पुराने पॉट्स हों अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट बॉस बनाकर अपने घर में सजा सकते हैं. तो इसी तरह आप भी मेकओवर कर लीजिए अपने पॉट्स हों आपके पास पुराने या फिर कुछ भी फ्लावर बॉस हो, आप उनका इसी टाइप से मेकओवर कर दीजिए और फिर यूज़ करिए. कुछ साल और चल जाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा और घर का कॉर्नर भी आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा, आपके घर को अपने रूम को.
मुझे अपने हाथों से बनाकर कुछ सजाना बहुत अच्छा लगता है घर में, और जब भी मैं उसे देखती हूँ और जब भी उसके पास से गुजरती हूँ तो उसमें नज़र जब पड़ती है तो बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, ये मैंने अपने हाथ से बनाकर सजाया है, ये मैंने अपने हाथों से क्रिएट किया है और डेकोरेट किया है घर को अपने। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है मुझे, और मेरी मम्मी को भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, उन्होंने ही सिखाया ये सारी चीज़ें करना। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, जो हमारा वीडियो नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ज़रूर और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए, हमारा ये पॉट रेडी हो गया है, और इसी तरह आप अपने हाथों से बनाकर घर को सजाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है खुद पर कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी फीलिंग्स। तो आपको अगर ऐसा कुछ करना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेंशन ज़रूर करिएगा कमेंट में आपको क्या अच्छा लगता है घर में सजाना। तो हियर इज़ द फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।